पहले सीक्वेंस के बारे में बताती हूँ. जब हम लोग तैयार होके आए अपने सेट पे, तो हमें बताया गया कि सिंदूर लगाना है, थोड़ा ज़्यादा भरना है. तो ठीक है, भर लेते हैं. भर लिया हमें. मैंने कभी ये किया नहीं है छठ पूजा, ना कभी देखा है, ना कभी ऐसा यू नो कि कोई इमेजिनेशन ही नहीं थी कि क्या होता है. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं थोड़ा और भरना है. मैं कहा अच्छा ठीक है और भर लेते हैं. नहीं मैम नाक से. तो मुझे लगा सब मजाक कर रहे हैं कि मतलब लेग पुलिंग हो रही है. मैं कहा नाक से. हाँ 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 हंस रही. नहीं मैम नाक से, नाक तक आपने भरना है. मैं कहा सच में? कहते हैं हाँ. लेडीज़ होती है. फिर उन लोगों ने मुझे फ़ोटोज़ दिखाई कि छठ पूजा में कैसे होता है, तब मुझे विश्वास हुआ. उसके बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम करी तो मुझे लगा नहीं बहुत अजीब लगूंगी. लेकिन जब मैंने किया पूरी तरह से सजी, उसके बाद हम लोगों ने सीन शूट किए जहाँ पे हम लोग खाना बना रहे हैं एंड वो गीत गा रहे हैं जो छठ पूजा में सारी लेडीज़ मिलकर कर रहे हैं, तो वो हम लोग एक्चुअल में गा रहे थे. उसके बाद से तो मुझे पूरी लुक मुझे बहुत अच्छी लग रही है. मेरे को ये नाक तक भी सिंदूर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना ट्रेडिशनल लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे. सीक्वेंस ये है कि हम लोग ड्रामा पहली बार 20 साल में गुड्डू मिश्रा, रंजू मिश्रा को एक्सेप्ट करते हैं एज़ वाइफ. रंजू मिश्रा ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि इतना कुछ उसके साथ बीत चुका है कि वो हर चीज़ भी मतलब बार बार सोचती है कि पता नहीं ये वापस ललिता के पास चले गए तो क्या होगा. मतलब 20 साल में बहुत कुछ हो चुका होता है. रंजू ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया कि उसे ज़िंदगी भर अकेले ही रहना है. अब सडनली ये अपना प्यार जताते हैं, इनको रिग्रेट होते हैं इन्होंने अपनी वाइफ के साथ जो कुछ भी किया. तो ये जो मेरा नज़रिया है वो मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रही है. पहली बार लाइफ में मुझे एक वाइफ का दर्जा दे रहे हैं, वो मुझे देख के अच्छा लग रहा है. बट कहीं ना कहीं मुझे फियर भी है कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, ये टेम्प्रेरी है. एंड उनकी ओर से इतना ज़्यादा है कि वो इतना गिल्ट में है कि 20 साल तक मैंने अपनी वाइफ को कुछ नहीं किया, हर चीज़ मैंने ललिता के ऊपर निछावर करी. तो ये छठ पूजा में वो संकल्प लेते हैं कि वो दंडवत प्रणाम करते करते घाट तक आएंगे, जो कि बहुत बड़ा संकल्प है. तो वो मैं भी हैरान हूँ. अम्मा जी हमारी बहुत खुश हैं कि फाइनली उनका बेटे बहू की कुछ कहानी आगे बढ़ेगी मैरिड लाइफ में. तो इस तरह का सीक्वेंस है. लेकिन वहाँ पे ललिता ये सब देख रही है और उसे ये डाइजेस्ट नहीं होता है कि उनके पति गुड्डू मिश्रा अब उनका पहली वाइफ से कैसे लगाव बढ़ने लगे. तो वो कुछ ना कुछ करेगी करेगी. ये हमारे डिज़ाइनर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत हमारे ट्रायल्स हुए. कहीं उन्हें पसंद आते थे, मुझे नहीं पसंद आते थे, कहीं मुझे पसंद आते थे, उन्हें नहीं. मेरी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि वेट हल्का होना चाहिए. मेरी एक ही डिमांड थी कि जो भी आप मुझे कुछ भी पहनाओ लेकिन हल्का होना चाहिए, मतलब कि आई कैन कैरी इट. तो उन लोगों ने बहुत सारे कॉम्बिनेशन देख दुगा के कि सुंदर भी लगे एंड हल्का भी हो करके मुझे ये दिया, कॉस्ट्यूम दिया, ज्वेलरी दी, मांग टिक्का, नथ. तो आई एम वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी हैप्पी विद माई लुक.